आने वाले दिनों में PTI इतनी भी नहीं रहेगी कि सियासी तौर पर खुजली महसूस करा सके। पाकिस्तान के हालात संभालने में सिर्फ कप्तान ही फेल नहीं हुआ, बल्कि पिंडी का बचपन का प्यार शहबाज शरीफ भी अपनी पंजाब स्पीड समेत फेल हुए हैं। अब मार्केट को मुस्तहकम रखने, सियासी इस्तेहकाम दिखाने और गैर यकीनी के खात्मे के लिए ये दिखाना और बताना जरूरी है कि आइंदा क्या होने जा रहा है। सूरत हाल को देखें तो एक पैगाम हर तरफ गया है कि नवाज शरीफ बहुत ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। वो चौथी बार वजीर आजम, सब रुकावटें रौंदते हुए बनने जा रहे हैं। न्यूज़ वेबसाइट V News में शाया होने वाली एक तहरीर में कहा गया है कि शायद हमारे ढोले का सियासत में मुदाखलत का शौक खत्म नहीं हुआ, पर यह शौक पूरा करने को जो दाने दरकार होते हैं वो मुक गए हैं। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो स्टेट मार्केट में पैसा नहीं लाएंगे, बड़े फैसले नहीं हो सकेंगे। मेगा प्रोजेक्ट, रीजनल शिफ्ट और एनर्जी कॉरिडोर क्या क्या करना है, ये सब करने को सियासी इस्तेहकाम लाना जरूरी है। वो नहीं आता तो पकड़ कर लाना पड़ेगा, जिसके लिए ढोला कुछ भी करेगा। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा पंजाब हुकूमत ने मअतल कर दी। मअतली की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए जो इजलास हुआ, इसमें नवाज शरीफ के वकला ने वीडियो लिंक के जरिए अपना मौक़िफ़ बयान किया। ये सज़ा नवाज शरीफ के इलाज के लिए लंदन रवानगी से कबल खुद PTI हुकूमत ने मअतल की थी। इसके बाद ही नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई और रवानगी मुमकिन हो सकी थी। PTI रहनुमा बाद में नवाज शरीफ की सजा मअतली और लंदन रवानगी को अपनी मासूमियत करार देकर अपनी सियासी हिमाकत के सबूत देते रहे। कानून और आइन ऐसा करने की इजाज़त देता होगा। किसी भी बड़ी जमात और शख्सियत के खिलाफ केसेस में सरकार की दिलचस्पी खत्म हो जाए तो फिर बर्रियत में भला कितना टाइम लगता है। नवाज शरीफ की सजा मअतली, उनकी आमद और एयरपोर्ट पर ही बायोमेट्रिक कराना, हुकूमत का जमानत की मुखालफत ना करना, इस सब से क्या पता लगता है। सियासी, इखलाकी और कानूनी एतराज बेशुमार किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार का ये रवैया बताता है कि कोई ऐसा इबहाम पैदा नहीं किया जा रहा या ऐसा कोई तासुर नहीं दिया जा रहा जिससे लगे कि नवाज शरीफ को किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश है। वो अगले वजीर आज़म हैं, अगलों का बस नहीं चलता कि इलेक्शन करवाए बगैर ही उनके वजीर आज़म बनने का ऐलान कर दें। हमारे खित्ते में इंडिया या पाकिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान मुतनाज़ा मामलात पर कोई नरम बयान नहीं देते। नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुहिम शुरू होने से पहले हमसायों से अच्छे ताल्लुकात की बात की है, कश्मीर के बाइज़्ज़त और बावकार समझौते की तरफ जाने और इसके लिए तैयार होने की बात की है। बांग्लादेश से पाकिस्तान तक एक कॉरिडोर का इशारा दिया है। ये सब क्या ये नहीं बताता कि हमारी मईशत हमने जिस अंदाज में डुबोई है, अब ये बातों से नहीं उभरती, बल्कि इसके हल के लिए गैर रिवायती तरीक़े और मुस्तकिल पॉलिसी दरकार है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि PTI इतनी भी नहीं रहेगी कि सियासी तौर पर खुजली महसूस करा सके। साइफर केस चेयरमैन PTI इमरान खान और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद के गले में पड़ गया है। कप्तान ने साइफर का सियासी इस्तेमाल करना चाहा था, इसके सिफारती असरात का अंदाज़ा नहीं लगाया था। साइफर में क्या था, इससे ज़्यादा ये अहम हो गया है कि हमसे अहम मुल्कों ने राब्तों का लेवल कम कर दिया। सिफारतकार ये कहने लग गए थे कि अब आप लोग इस काबिल ही नहीं हैं कि आपसे बंद कमरों में भी खुलकर कोई बात की जा सके। फिर यकीन रखा जाए कि वो बात बाहर नहीं आएगी। ये भूल जाएं कि कप्तान की बात हो रही है। ये हरकत कोई भी वजीर आज़म करता तो इसको अंदर जाना पड़ता और सज़ा भुगतना पड़ती। इस नहायत संजीदा मसले में लतीफ़ा यह है कि शाह महमूद कुरैशी फंस गए हैं। उन्होंने बतौर वाइस चेयरमैन PTI संभाली थी, जलसों और पब्लिक में साइफर के हवाले से बोल बैठे और अब कप्तान के साथ ही अंदर मौज कर रहे हैं। मुल्तानी कुरैशियों का बच्चा जो गीली जगह पर पैर नहीं रखता था, ऐसा स्लिप हुआ कि सीधा गेट तोड़ता अडियाला पहुंचा हुआ है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एक MNA बड़े मज़े की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी बताती है कि पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीगी दोनों ही नवाज शरीफ की वापसी नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीगियों की तो बोलती बंद है, नवाज शरीफ की वापसी ने इनकी स्कीमें ख़राब कर दी हैं। PPP वाले शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ऐसे रिलीफ देना है तो फिर अदालतों को ताले लगा दें। YouTube पर Googly News देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।